मैं हूँ प्रियंका। वीरे टीवी भारत के खास प्रोग्राम घुमक्कड़ में आपका स्वागत है। भारत का अधिकांश भाग समुद्र से घिरा हुआ है और देश में कुछ अविश्वसनीय रूप से सुंदर समुद्र तट हैं, जो एकांत से लेकर पार्टियों तक सब कुछ प्रदान करते हैं। भारत में सबसे अच्छे समुद्र तट पश्चिमी तट पर पाए जा सकते हैं, जिसमें गोवा सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट गंतव्य है। आज हम आपको घुमक्कड़ में भारत के 10 सबसे सुंदर बीचेस के बारे में बताएंगे। वर्ला समुद्र तट केरल में राजधानी त्रिवेंद्रम के उत्तर में लगभग एक घंटे की दूरी पर स्थित है। यह आराम करने और तरोताजा होने के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ पर योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय है। गोकर्ण उत्तरी कर्नाटक एक छोटा सा पवित्र शहर है, जिसके पास भारत के 4 सबसे एकांत समुद्र तट शामिल है। यहाँ तीर्थयात्री और ट्रैवलर दोनों ही आते हैं। पालोलेम यकीनन गोवा का सबसे सुरम्य समुद्र तट है। यह 1 मील लंबा अर्ध गोलाकार समुद्र तट है, जो नारियल के ताड़ के घने जंगल से घिरा हुआ है। समुद्र तट हर साल लोकप्रियता में बढ़ रहा है और दक्षिण गोवा में सबसे जीवंत समुद्र तट है। पुंडुचेरी बीच अपनी व्यापक फ्रांसीसी विरासत के साथ पूर्वी भारत में तमिलनाडु के तट पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो संस्कृति प्रेमियों के लिए आदर्श है। शहर में ऐतिहासिक फ्रेंच क्वार्टर एक आकर्षण का केंद्र है, जबकि पास के ओलोवेरी और पैराडाइज बीच तैराकी के लिए फेमस है। तारकरली मालवन के दक्षिण में 8 किलोमीटर और मुंबई से यह लगभग 546 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र के ही पश्चिमी तट पर स्थित है। आकर्षक समुद्र तट वाला यह स्थल तटीय महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य है। राधानगर बीच हैवलॉक आइसलैंड। एक बार इसको टाइम मैगजीन द्वारा एशिया के सर्वश्रेष्ठ बीचेस में शामिल किया गया था, जो बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है। राधानगर बीच अपने शांत वातावरण, शांत पानी और महीन सफेद रेत के लिए प्रसिद्ध है। चंडीपुर ओडिशा के बालासोर जिले में राजधानी भुवनेश्वर से उत्तर में स्थित है। यह अपने गायब होने वाले समुद्र के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे मोस्ट अनयूजुअल बीच के रूप में भी लिस्ट किया गया है। मरीना बीच चेन्नई का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। 13 किलोमीटर तक फैला हुआ मरीना बीच देश का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट है। कैलनगुट बीच गोवा की सबसे लोकप्रिय बीच में से एक है। इसे समुद्र तट की रानी भी बोला जाता है। इस बीच पर तमाम वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, वाटर सर्फिंग, बनाना राइडिंग और जेट स्कीइंग जैसी गतिविधियों का आनंद लिया जा सकता है। उड़ीसा के प्रमुख आकर्षणों में से एक है पुरी बीच। सूर्य मंदिर से 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुरी का समुद्र तट एक ही स्थान पर सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का एक अनूठा अवसर आपको प्रदान करता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए वीरे टीवी भारत के साथ। नमस्कार।